हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गुरु फाइव सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का चैप्टर वन का सो ए होलो चार्ज कंडक्टर हैज ए टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस एक कंडक्टर है हमारे पास चार्ज कंडक्टर होलो उसमें से एक होल कट कर दिया टाइनी शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिमा बाई ट यूनिट वैक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल सो हमें कंडक्टर गिविन है ये हमने सपोज कंसिडर कर लिए कंप्लीट है अभी फिलहाल अब पहले हम इसके किसी नियर बाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया यहां पास में अब बिल्कुल पास में पॉइंट है लेकिन मैं इसको डायग्राम जिससे क्लियरली आप लोग समझ सके इसलिए दूर दिखा रहा हूं तो सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर है एक पॉइंट ए अब इससे पास करते हुए हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया ये पॉइंट सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन या एक साइड फेस पर है सो so, जैसे सिलेंडर बाहर है ऐसे ही सिलेंडर हमने मान लिया अंदर सो so, जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में डेल्टा एस वेक्टर और इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में ओके okay? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर हमने मान लिया ई e, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड पॉइंट पर कितना होता है जीरो अब इस इस सरफेस के किसी पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या फिर इधर होगा डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज तो यहां के लिए तो एंगल कितना 90 डिग्री अब इस सिलेंडर के लिए इसको हम ले लेते हैं सरफेस जो ये सिलेंडर है सो so, इसके लिए हम लगा देते हैं गोसलो सो अप्लाई गोसलो फोर सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस किससे पास कर रही है पासिंग थ्रू ए सो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड अपोन एफ सर नोट नाउ. इस इंटीग्रेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक तो ये एक ये और एक ये जो ये फर्स्ट पार्ट है इसके लिए ई e कितना है जीरो सो so, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस जीरो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना 90 डिग्री तो ये भी जीरो हो जाएगा ई डी एस कोस 90 सो केवल इस सरफेस के लिए बचेगा इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉजिटिव चार्ज से अवे सो so, यहाँ के लिए एंगल कितना हो जाएगा जीरो सो ये हो जाएगा ई डी एस कोस जीरो इक्वल टू क्यू इन कितना इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना सपोज जो ये इसका इस सिलेंडर के अंदर इस कंडक्टर का जो सरफेस है इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी सिग्मा सो ये कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज अपॉन एरिया तो जो एरिया होगा ये ये किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा एस के बराबर सो क्योंकि ये ही इसको कट कर रहा है तो डेल्टा एस के बराबर होगा नियरली सो सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एफ सेल सो ई आउटसाइड इंटीग्रेशन ओवर डी इक्वल टू कोस जीरो वन सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एफ सेल अब ये एरिया है टोटल किस सरफेस का इस सरफेस का थर्ड वाली जो हमने ली थी सो ये हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एफ नोट इससे ये कैंसिल सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के नियर बाई पॉइंट पर अब हमें प्रूफ करना कि टाइनी होल के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है सिग्मा बाई

इस वन सरफेस की वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ये पॉइंट पॉइंट और पास पास है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए पॉइंट पर होगा इस सरफेस की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर होगा तो ये भी ई वन ओके अब सेकेंड वाली सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड वाली सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर अवे और बी पॉइंट पर भी अवे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू और ये टू अब जो ए पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E1 E2. और जो बी पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई वन माइनस ई टू इसको एक बार और समझ लीजिए जो ये सर वेस है वन इसकी वजह से इन दोनों पॉइंट पर अवे क्योंकि प्लस चार्ज क्या करेगा अवे फील्ड सो इस पॉइंट पर भी इधर और इस पॉइंट पर भी इधर क्योंकि ये दोनों पॉइंट पास पास है तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा सेम तो इवन और इवन अब ये जो टाइनी होल वाली सरफेस हमने मान ली इसके एक पॉइंट राइट साइड में और एक पॉइंट लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और लेफ्ट साइड में भी अवे लेकिन इस डायरेक्शन में हो जाएगा सो so, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और यहां पर इधर सो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ए पर डायरेक्शन सेम है तो E1 +E2. है तो अब बी पॉइंट क्या कंडक्टर कंडक्टर के के अंदर जीरो सो ई वन माइनस ई टू सो यहां से आ जाएगा ई वन इक्वल टू ई टू अब ई वन और इ टू सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको टू ई वन और ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले फाइंड कर लिया बाहर सिग्मा बाई

तो यही हमें प्रूफ करना था नाउ इसमें एक चीज और नोट कर सकते हैं हम जो बी पॉइंट है वहाँ पर ई टू क्या, क्या, क्या है जो ये छोटी सी सरफेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सो इस पूरी सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा और इस छोटी सी सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जिसकी वजह से फील्ड कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर कितना होता है जीरो सो so, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस प्रोड्यूस कर, कर रही है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी सरफेस प्रोड्यूस कर रही है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट